गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एएचडीपी फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट है एनाटॉमी, उसका चैप्टर है एनिमल स्केलेटन। उसमें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ रहे थे। उसमें है हमारी सबसे पहले नंबर की बोन थी द स्कैपुला बोन ऑफ ऑक्स, वो हमने कल कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट जो हमारी जो बोन है उसका नाम है द ह्यूमरस बोन ऑफ ऑक्स। तो हमारी बोन का नाम क्या है? द ह्यूमरस बोन ऑफ ऑक्स, ह्यूमरस बोन ऑफ ऑक्स, ठीक है। अब हम देखें कि पशु की जो ऑक्स की जो ह्यूमरस बोन होती है वो कैसे होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो बोन में सबसे पहले है ये हमारे गो पशु की बोन है। कौन सी बोन है? ह्यूमरस बोन। दिखने में कैसी है? लंबी है और बेलनाकार है, यानी कि इसमें बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। एकदम इसकी जो साफ्ट है वो बिल्कुल ही बलखाती हुई है, यानी कि इसको जब हम ऐसे फिरा के देखते हैं तो ये चारों तरफ से ये घूमी हुई से नज़र आती है। इसमें बहुत ज़्यादा घुमाव है, यानी कि ये सारे इसके इसको बोलते हैं इसका स्पायरल ग्रूव। क्या बोलते हैं? इसका स्पायरल ग्रूव। तो सबसे पहले देखें कि ह्यूमरस बोन में क्या क्या होता है। तो ह्यूमरस बोन में सबसे पहले दो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, यानी कि दो एंड होते हैं, दो सिरे होते हैं, दो छोर होते हैं। तो ये है इसका प्रॉक्सिमल एंड और ये है इसका डिस्टल एंड। क्या है ये? प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। अब सबसे पहले हम देख लें इसमें होती है चार सरफेस होती हैं। तो सबसे पहले ये है इसकी एंटीरियर सरफेस, ये है इसकी एंटीरियर सरफेस, ये है इसकी पोस्टीरियर सरफेस, ये है इसकी लेटरल सरफेस और ये है इसकी मीडियल सरफेस। क्या क्या है? लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। अब हम देखें सबसे पहले एंटीरियर सरफेस है, इसमें देखें सबसे पहले ये है इसकी लेटरल ट्यूबरसिटी, क्योंकि लेटरल साइड में है तो इसे बोलते हैं इसकी लेटरल ट्यूबरसिटी। इस लेटरल ट्यूबरसिटी के जस्ट पास में है इसमें इंटर ट्यूबरकल ग्रूव। क्या है इसे? इंटर ट्यूबरकल ग्रूव है। कौन सी बोन का है ये? ह्यूमरस बोन का। तो इसमें लेटरल ट्यूबरसिटी के मध्य में जो कटाव है उसे बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल ग्रूव, ठीक है। अब हम इस बोन में देखें इसमें प्रोक्सीमल एंड और डिस्टल एंड है। तो इसके प्रोक्सीमल एंड एवं इसकी जो लेटरल सरफेस है उसके मध्य में एक सुविकसित किनारा पाया जा रहा है। ये जो किनारा है इसे बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। इसे क्या बोलते हैं? क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। अब इस क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन के बीच में एक थोड़ा सा किनारा है जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसे बोलते हैं इसकी डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। क्या कहते हैं? ह्यूमरस बोन की डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। अब इसके बाद में जब हम इस बोन के डिस्टल एंड पर चलते हैं तो डिस्टल एंड में देखें तो इसमें ये जो हल्का सा गड्ढा है इसे बोलते हैं इस बोन का कोरोनॉइड फोसा या रेडियल फोसा। क्या है इसका? कोरोनॉइड फोसा या रेडियल फोसा। इस कोरोनॉइड फोसा के पास में हम देखें तो इसमें ये है इसकी लेटरल कोंडाइल और ये है इसका मीडियल कोंडाइल। लेटरल कोंडाइल दिखने में थोड़ा छोटा है और मीडियल कोंडाइल थोड़ा बड़ा है। इस लेटरल कोंडाइल के पास है लिपिट ऑन द लेटरल एपिकोंडाइल। क्या है? पिट ऑन द लेटरल एपिकोंडाइल। और इस मीडियल कोंडाइल के पास है मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। अब हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे चले तो पोस्टीरियर सरफेस पे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। पोस्टीरियर सरफेस पे एक तो है इसके मध्य में मिडल में थोड़ा न्यूट्रिएंट फोरामेन। क्या है? ह्यूमरस बोन में न्यूट्रिएंट फोरामेन है। न्यूट्रिएंट फोरामेन के जस्ट नीचे हम देखें तो इसमें क्या है? ये है इसका ओलिग्रेनन फोसा। कौन सा फोसा है? ओलिग्रेनन फोसा। ओलिग्रेनन फोसा के चारों तरफ ये जो लाइन सी बनी हुई है, ये जो किनारे से है, इसे बोलते हैं ब्रिम ऑफ द ह्यूमरस या ब्रिम ऑफ द ओलिग्रेनन फोसा। क्या बोलते हैं? ब्रिम ऑफ द ओलिग्रेनन फोसा। रेडियल फोसा और ओलिग्रेनन फोसा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ऑपोजिट होते हैं। ओलिग्रेनन फोसा, कोरोनॉइड फोसा एवं ओलिग्रेनन फोसा को आपस में जो संरचना जोड़ रही है, इस पूरी संरचना को बोलते हैं इसकी ट्रोकेली। क्या बोलते हैं? ट्रोकेली बोलते हैं। अब हम देखें इस बोन के जो लेटरल पोस्टीरियर एवं मीडियल सरफेस के बीच में ये हम इसके में अंदर जो गोल आकार की संरचना देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ह्यूमरस बोन का हेड। क्या बोलते हैं इसे? ह्यूमरस बोन का हेड। इस हेड के जस्ट नीचे की संरचना को हम क्या बोलते हैं? संरचना को बोलते हैं नेक, नेक ऑफ द ह्यूमरस बोन। अब इस नेक ऑफ द ह्यूमरस बोन के बाद में हम देखें तो इस बोन के अंदर ये जो हल्का सा घुमाव है इसे बोलते हैं मस्क्यूलो स्पायरल ग्रूव। क्या कहते हैं इस घुमाव को? मस्क्यूलो स्पायरल ग्रूव।
ग्रूव, और ये है इसका रफ एरिया फॉर सुपरास्पाइनेटस मसल्स, ये है इस बोन का रफ एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सुपरास्पाइनेटस मसल्स। यहाँ पर सुपरास्पाइनेटस मसल्स के लिए ये बोन स्थान प्रदान करती है। तो ये इस बोन का जो रफ एरिया है, यहाँ पे कौन सी मसल्स आकर जुड़ती है, सुपरास्पाइनेटस मसल्स आकर जुड़ती है। ठीक है, अब इसकी हम मीडल सरफेस पे देखें तो इसकी मीडल सरफेस के ऊपर एक हल्का सा उभार है, इसे बोलते हैं इस बोन का टेरस ट्यूबरकल। क्या है? टेरस ट्यूबरकल, ह्यूमरस बोन का टेरस ट्यूबरकल। तो अब हम देखें कि ह्यूमरस बोन में क्या क्या होता है। सबसे पहले है इसमें दो एक्सट्रीमिटीज, प्रोक्सीमल एंड डिस्टल। उसके बाद में हम देखें इसमें ये है लेटरल ट्यूबरसिटी, लेटरल ट्यूबरसिटी के बाद में है इसमें इंटर ट्यूबरकल ग्रूव, इंटर ट्यूबरकल ग्रूव के बाद में है इसमें ये डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी के बाद में है इसमें लास्ट में नीचे की ओर है कोरोनॉइड फोसा, कोरोनॉइड फोसा के जस्ट पास में है लेटरल कोंडाइल और मीडल कोंडाइल। लेटरल कोंडाइल में है पिट ऑन द लेटरल एपिकोंडाइल और इसमें है मीडियल एपिकोंडाइल। इसके जस्ट ऑपोजिट यानी कि पोस्टीरियर साइड पर देखें तो इसमें क्या है, एक तो न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन के जस्ट नीचे जो लिए जो किनारे हैं इनको बोलते हैं ब्रिम ऑफ द ओलिग्रेनल फोसा। क्या बोलते हैं? ब्रिम ऑफ द ओलिग्रेनल फोसा। इस ओलिग्रेनल फोसा के पास में क्या है? ओलिग्रेनल फोसा। ओलिग्रेनल फोसा के बाद में है इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है? कोरोनॉइड फोसा, जिसे हम रेडियल फोसा भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोरोनॉइड फोसा या रेडियल फोसा। ठीक है, तो आज ये हमारी जो पशु की जो ऑक्स की जो बोन है ह्यूमरस, वो कंप्लीट होती है। कौन से पशु की है? ऑक्स की, द ह्यूमरस बोन। तो हम देखें कि ह्यूमरस बोन में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम देखें ह्यूमरस बोन में, सबसे पहले तो ये कैसी बोन है? फोर लिंब की सेकेंड बोन है। अगले पैर की कौन सी बोन है? सेकंड बोन है। कैसी है? लॉन्ग है, आकार में घुमाव में ट्विस्टेड है और स्पाइरल भी है, ट्विस्टेड है और स्पाइरल भी है। साथ ही साथ इसमें क्या है? दो एक्सट्रीमिटीज भी हैं। क्या है? दो एक्सट्रीमिटीज। कौन कौन सी हैं? प्रोक्सीमल एंड डिस्टल, प्रोक्सीमल एंड डिस्टल। इसमें क्या क्या है? चार सरफेस हैं, चार सरफेस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। इसमें इसके प्रोक्सीमल एंड पर या प्रोक्सीमल एक्सट्रीमिटी पर, प्रोक्सीमल एक्सट्रीमिटीज पर क्या क्या है? लेटरल ट्यूबरोसिटी। क्या है? लेटरल ट्यूबरोसिटी। लेटरल ट्यूबरोसिटी के पास में क्या है? इंटर ट्यूबरकल ग्रूव। क्या है? इंटर ट्यूबरकल ग्रूव है। इंटर ट्यूबरकल ग्रूव के बाद में हम देखें तो इसके प्रोक्सीमल एंड एवं लेटरल सरफेस, प्रोक्सीमल एंड एवं लेटरल सरफेस के बीच में क्या है? क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। क्या है? क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस, क्रेस्ट बोन, क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन के बीच में जो न्यूक्लियस उभार होता है उसे बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। क्या बोलते हैं? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब इसके जब हम मीडल सरफेस पर देखें तो मीडल सरफेस पर क्या पाया जाता है? मीडल सरफेस पर पाया जाता है टेरस ट्यूबरकल। क्या पाया जाता है? टेरस ट्यूबरकल। अब हम देखें तो इसके डिस्टल एंड पर, इसके डिस्टल एंड पर क्या क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाता है कोरोनॉइड फोसा, कोरोनॉइड फोसा को ही हम रेडियल फोसा भी कहते हैं। इस कोरोनॉइड फोसा के जस्ट नीचे कौन दो कोंडाइल पाए जाते हैं? दो कोंडाइल पाए जाते हैं, लेटरल एंड मीडियल। कौन कौन से कोंडाइल हैं? लेटरल एंड मीडियल। अब लेटरल एंड मीडियल कोंडाइल के पास में है, लेटरल कोंडाइल में तो है
पिट ऑन द लेटरल एपिकोंडाइल, क्या है पिट ऑन द लेटरल एपिकोंडाइल, और मीडियल कोंडाइल में है मीडियल एपिकोंडाइल। अब हम कोरोनॉइड फोसा के जस्ट ऑपोजिट देखें तो क्या पाया जाता है, ओलिग्रेनन फोसा। ओलिग्रेनन फोसा के चारों तरफ क्या पाया जाती है, ब्रिम ऑफ द ओलिग्रेनन फोसा। इस बोन की एंटीरियर सरफेस पर क्या पाया जाता है, क्रेस्ट ऑफ द उमरस हो गया। अब इस बोन के पोस्टीरियर सरफेस पे क्या पाया जा रहा है, पोस्टीरियर सरफेस पर क्या क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन। ठीक है, अब हम इसके लास्ट में देखें तो इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस एवं मीडियल सरफेस के मध्य, पोस्टीरियर एंड मीडियल सरफेस के बीच में क्या पाया जाता है, हेड पाया जाता है, और हेड के नीचे क्या पाई जा रही है, नेक, हेड ऑफ द हुमरस एंड नेक ऑफ द हुमरस। उसके बाद में इसके चारों तरफ जो घुमाव पाया जाता है उसे बोलते हैं मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव, क्या बोलते हैं, मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव। मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव के जस्ट पास में जब हम देखें तो इसकी जो लेटरल सरफेस है उसके पास में पाई जाती है रफ एरिया फॉर अटैचमेंट, क्या पाई जाती है, रफ एरिया फॉर अटैचमेंट द सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। जो खुरदरा भाग पाया जाता है उसे बोलते हैं, इसकी लेटरल सरफेस में जो खुरदरा भाग पाया जाता है उसे बोलते हैं रफ ऑफ द अटैचमेंट फॉर द सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स। वहाँ पे कौन सी मसल्स आकर जुड़ती है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स आकर जुड़ती है। और अब जब ऊपर यानी कि जो इस स्केपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी है उसमें ह्यूमरस बोन का हेड फिट होकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, और ये नीचे की ओर रेडियस एंड अल्ना के साथ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाएगी, ये बोन एल्बो जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट बनाएगी, एल्बो जॉइंट बनाएगी। ठीक है, अब इसी के साथ हमारी ये जो ह्यूमरस बोन है वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ह्यूमरस बोन के जो वीडियो है वो कैसे लगी, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आपको समय समय पर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।